सोनू सूद और नीति गोयल का घर भेजो मिशन अनलॉक फेज वन में लगातार चल रहा है। शुक्रवार को दोपहर मुंबई के बोरीवली स्टेशन से 2000 से ज्यादा प्रवासियों को रवाना करने एक बार फिर सोनू पहुंचे। पहले सोनू प्रवासी श्रमिकों को भेजने बसों का इंतजाम कर रहे थे, अब वे ट्रेनों के जरिए इस काम को अंजाम दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक सोनू करीब 20,000 लोगों को उनके घर भेज चुके हैं। इसमें असम, उड़ीसा और उत्तराखंड के वो लोग शामिल हैं जिनके लिए सोनू ने फ्लाइट की टिकट बुक करवाई थी। इससे पहले 8 जून की रात सोनू सूद को मुंबई के बांद्रा टर्मिनल स्टेशन के अंदर नहीं जाने दिया गया था। वे वहां से उत्तर प्रदेश जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार कुछ मजदूरों को विदा करने आए थे, लेकिन आरपीएफ ने उन्हें प्लेटफॉर्म पर नहीं जाने दिया। इस दौरान सोनू सूद करीब 45 मिनट तक आरपीएफ कार्यालय में ही बैठे रहे। हालांकि इस घटना के बारे में सोनू सूद ने कहा था, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे प्लेटफॉर्म पर जाने को मिला या नहीं, मेरा काम मजदूरों को उनके घर भेजना है और मैं यहां पर उन्हें विश करने के लिए आया था। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए।